और अब जस्मीन अंदर प्रदर्शनकारी जाने बिल्कुल सीधे तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र। अच्छा एक बात बताइए राजेंद्र, एक एक बात फटाफट से बता दीजिए, इस ढली टनल से सब्जी मंडी की तरफ से ये लोग मेन चौक तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, यहाँ पर अगर पुलिस इन्हें नहीं रोक पा रही है इन प्रदर्शनकारियों को, तो ये आगे चल के आंदोलन और उग्र हो सकता है राजेंद्र। बिल्कुल जस्मी, बिल्कुल जिस तरह से प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है उससे लग रहा है कि ये इसको भी गिराने की कोशिश जस्मी की जा रही है, जो दूसरा बैरिकेड है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी मौजूद हैं मौके पर ही। ये देखिए, और ये दूसरा बैरिकेड भी जस्मी गिरा, ये दूसरा बैरिकेड को हिला दे, तो यहाँ पर जो पहली लेयर सुरक्षा की थी वो अब हम कह सकते हैं टूट चुकी है। पुलिस का पहला बैरिकेड तोड़ दिया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और टनल के अंदर अब प्रदर्शनकारी यहाँ पर घुस रहे हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी अब घुस चुके हैं दूसरे बैरिकेड की तरफ, अब आगे प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी शिमला से, इस वक्त ढली टनल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, ढली सब्जी मंडी की तरफ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस की बैरिगेटिंग भी काम नहीं आई और प्रदर्शनकारी ये बैरिगेट्स इन्होंने उठा दिए हैं, तोड़ दिए हैं, और ढली की तरफ से कोशिश की जा रही है संजौली मुख्य चौक तक पहुंचने की। अगर आप शिमला के संजौली से अगर आपको रूबरू कराएं तो एक तरफ से मुख्य रास्ता है और एक तरफ से शिमला को अपर गांव से जोड़ता हुआ ये रास्ता, ये ढली टनल हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा। और इस ढली टनल से होते हुए ये प्रदर्शनकारी देखिए शिमला के संजौली के मुख्य चौक तक पहुँच रहे हैं। राजेंद्र, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आगे चल के ये आंदोलन और उग्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ से वो तमाम लोग पहुंचे हैं और आगे इस ढली टनल को क्रॉस करेंगे और मुख्य चौक वहाँ मस्जिद के पास पहुंच जाएंगे जहाँ बफर जोन बनाया गया है। चलिए, हमारे सहयोगी राजेंद्र भी इन इन आंदोलनकारियों के साथ मौजूद हैं, प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद हैं, और यहाँ पर दो मुख्य बातें निकल कर सामने आई हैं। पहली ये कि जो मस्जिद का निर्माण हुआ रातों रात, बताया जा रहा है कि ये चार मंजिला मस्जिद बना दी जाती है, जब इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई होती है तो इस पूरे मामले को डिफेंड करने वाले वकील ना ये बता पाते हैं कि फंडिंग कहाँ से आई और कब इसका निर्माण शुरू हुआ था और कब ये चार मंजिला बनाई गई, ये वो तमाम सवाल थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाते हैं। और दूसरा जो एक आम जनता के बीच जो आप ये आक्रोश देख रहे हैं, ये इस बात को लेकर है कि यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग भारी मात्रा में दूसरे देश प्रदेशों से आते हैं और यहाँ पर उनकी संख्या देखते ही देखते बढ़ जाती है, उनका रजिस्ट्रेशन किस आधार पर होता है, उन्हें यहाँ पर अपना कारोबार करने के लिए लाइसेंस किस आधार पर मिलता है। जी राजेंद्र जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये जो बैरिकेडिंग थी इसकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं जस्मीन, पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पर टूट चुकी है। ये सेकंड लेयर थी जो पुलिस की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन ये बैरिकेडिंग भी अब यहाँ पर टूट चुकी है और जो भीड़ है वो मस्जिद की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ये संजौली का पूरा इलाका, बिल्कुल राजेंद्र संजौली का ये पूरा इलाका, संजौली की सड़कें खचाखच आंदोलनकारियों से भरी हुई है। बिल्कुल 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 राजेंद्र, ये आंदोलनकारियों की तस्वीरें हम देख रहे हैं और उग्र आंदोलन यहाँ पर हो रहा है और जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की यहाँ से बिगड़ सकता है राजेंद्र, अगर कहें जिस तरह की नारेबाजी और जिस तरह के हिंदू संगठन यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सामाजिक सौहार्द अब एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो रहा है राजेंद्र। बिल्कुल, लेकिन अभी तक की जो प्रोटेस्ट है उस प्रोटेस्ट में अब कोई नुकसान की कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है, सिर्फ टारगेट की तरफ प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं, जो उद्देश्य है कि संजौली चौक पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से धारा 163 लगाई गई है, वही काम करते हुए प्रदर्शनकारी सीधा पहला बैरिकेड टूटा, दूसरा